रहीम यार खान में कौन जीतेगा, किसकी होगी हार? एनए 171 में जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। हसान मुस्तफा और ताहिर रशीदुद्दीन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल इसी वक्फे के जारी रहेगा। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,26,973 है। बता रहे हैं आपको, जिमनी इलेक्शन के हवाले से एनए 171 में जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। हसान मुस्तफा और ताहिर रशीदुद्दीन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,26,973 है। मजीद हमें अपडेट करेंगे आसिम सिद्दीक जी। आसिम बताइएगा, 1 घंटा हो गया पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, हमें टर्न आउट के हवाले से भी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? यानी 171 में जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। हसान मुस्तफा और ताहिर रशीदुद्दीन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,26,973 है। पीटीआई एमएनए मुमताज मुस्तफा एडवोकेट के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई। 2,700 सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। आपको बता रहे हैं कि पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, मर्द और खवातीन का रश शुरू हो गया है। एनए 171 में जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। हसान मुस्तफा और ताहिर रशीदुद्दीन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है। आसिम सिद्दीक से हमारा राबता बहाल हो गया है। जी आसिम, सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो उस वक्त टर्न वो इंतहाई कम देखने में आ रहा था, मगर अब 1 घंटे बाद लोग इस तरह से नजर आ रहे हैं जिस तरह अपना हक रायदाई इस्तेमाल करने में आ रहे हैं। ये मियाँ वाली कुरेशिया का पोलिंग स्टेशन नंबर 272 है, जहां पर तकरीबन 5,000 के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिस मर्द और खबर और खवातीन हजरात जिन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना है। खवातीन के हवाले से भी नजर आ रहा है कि वहाँ पर खवातीन यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, मगर इंतजाम के हवाले से हमें यहाँ पर कोई अच्छे इंतजाम देखने में नहीं आ रहे, क्योंकि गर्मी और हबस का दिन है और जो खवातीन का या इस तरह के मर्द हजरात का जो पोलिंग स्टेशन है वो इसी तरह से बना हुआ है कि बिल्कुल धूप में खवातीन इस वक्त खड़ी हैं, जो लाइन में यहाँ पे खड़ी होकर अपना हक रायदही इस्तेमाल करना चाह रही हैं, और धूप में खड़े हबस और गर्मी के बावजूद ये अपना हक रायदही, क्योंकि इंतजाम नहीं है, कोई छाँव का ऐसा इंतजाम नहीं किए गए कि यहाँ पे छाँव हो या पंखे लगाकर हवादार का इंतजाम नहीं किया गया। मगर पोलिंग का अमल शुरू है, 5 बजे तक ये मुसलसल बिला तातुल जारी रहेगा। 5,26,973 रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल करना है और अपना हक रायदही इस्तेमाल करके अपने उम्मीदवार को जताना है। अब उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम जो है वो खत्म करने के बाद उस इलेक्शन मुहिम में जो अपना मैनोफेस्टो था, जो अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग थी हल्के के हवाले से, वो वोटर्स तक पहुँचाई है। अब वोटर्स ने अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनकी जीत मुमकिन हो सकेगी। अब या इसके अलावा जो या बाकी 200 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 301 पोलिंग स्टेशन है, 88 मर्द के, 88 खवातीन के, 125 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है, वहां पर 901 बूथ कायम किए गए हैं ताकि जो वोटर्स हैं अपना हक रायदही आराम से इस्तेमाल कर सकें। मगर जो सूरत हाल है वो यही है कि कुछ जो बाकी जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर टर्नआउट कम नजर आ रहा है। यहां ये है, ये मियाँ वाली मखदूम है, इनका अपना घर कहलाता है, जो ये पोलिंग स्टेशन यहीं पर मियाँ वाली मखदूम है, इनके अपने वोट भी अंतराज हैं। तो जहाँ पर ये सूरत हाल है कि 1 घंटे के बाद अब वोटर्स जो है वो कुछ आना शुरू हो गए हैं, जिनमें खवातीन और मर्द हजरात की तादाद भी मौजूद है, वो जो लाइन में लाकर अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज भी यही सूरत हाल है कि लोगों को अगर अपने वोटर्स ने अगर अपने उम्मीदवार को जताना है तो अपने हक रायदही को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंतजाम जो हैं वो ऐसे नहीं हैं, क्योंकि गर्मी और हबस है, और गर्मी हबस में सायादार वोटर्स के लिए खड़ा होने के लिए साय का बंदोबस्त नहीं किया गया, ना ही ऐसा बंदोबस्त किया गया कि जो अमला है जिसमें प्रेजाइडिंग है, असिस्टेंट प्रेजाइडिंग है, पोलिंग अमला है, जिन्हें इस पोलिंग के अमले को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाना है और काम करना है 5-8 बजे से लेकर 9 बजे तक, उनके लिए भी इस गर्मी में कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं कि इस गर्मी का कुछ मुकाबला करने के लिए, ताकि वो गर्मी का मुकाबला भी कर सकें और बिला तातुल काम कर सकें। मगर पोलिंग है अब तवक्को की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वोटर्स बाहर निकलेंगे और अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और कांटेदार मुकाबला है
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा जिनका निशान होकर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन के दरमियान ये कांटेदार मुकाबला है, यह वन ऑन वन मुकाबला है। जो बाकी उम्मीदवार है उनमें जियाउद्दीन है जो पाकिस्तान तहरीक पहलुक रखते हैं और बाकी जो उम्मीदवार हैं। आपको जिमनी इलेक्शन के हवाले से बता रहे हैं, एनए 171 में जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। हसन मुस्तफ़ा और ताहिर रशीदुद्दीन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,26,973 है। पीटीआई एमएनए मुमताज मुस्तफ़ा एडवोकेट के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई। 2,700 सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई के हसन मुस्तफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम रशीदुद्दीन में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। और लोगों की आमदरफ्त के हवाले से भी आपको बता रहे हैं कि एनए 171 में जिमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। खवातीन और मर्द वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच गए हैं। हसन मुस्तफ़ा और ताहिर रशीदुद्दीन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आसिम सिद्दीक से हमारा रब्ता बहाल हो गया है। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात है। ये डायमेंशन है एन 171 की। एन 171 हमेशा तौर पर मियाँ वाली मखदूम मैन की अपनी अब्बाई सीट कराई जाती रही है। ये कजन्स भाई आपस में इलेक्शन लड़ते हैं और आपस में ही कोई एक उम्मीदवार वो जीत का हकदार जो है वो ठहरता है और हमेशा तौर पर ऐसा ही होता है। इसी सीट से मखदूम शहाबुद्दीन जो है वो MNA रह चुके हैं। मखदूम खुसरो बख्तियार भी 3 मरतबा यहाँ से MNA रह चुके हैं। उनके भाई पिछली दफ़ा मखदूम इलेक्शन में एक अपसेट शिकस्त थी जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मायती याफ्ता उम्मीदवार थे रईस मुमताज मुस्तफ़ा वो 1,03,000 के करीब वोट लेकर यहाँ पर जीत हुए थे। दूसरे नंबर पर मखदूम हाशिम जवान वक्त आए थे जिन्होंने 56,000 के करीब वोट हासिल किए थे और मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन दो मखदूम शहाबुद्दीन के बेटे और इनके भतीजे भी लगते हैं क्योंकि कजन के बेटे मखदूम हाशिम जवान वक्त के वो वहाँ पर तीसरे नंबर पर 47,000 वोट लेकर आए थे। अब मियाँ अली मखदूम मैंने एक ही उम्मीदवार उतारा है। तमाम मखदूम खुसरो बख्तियार मखदूम हाशिम जवान वक्त दो आजाद हैसियत से सुबह महाज जनूबी पंजाब के हवाले से भी उनका नाम रहा है। वो उन्होंने अपने ही जो उम्मीदवार है अपने खानदान से ताल्लुक रखना उनकी हमायत का ऐलान किया और एक ही उम्मीदवार मियाँ वली मखदूम मैंने मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन उतारे हैं। उस इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रईस मुमताज मुस्तफ़ा के जो बेटे हैं हसन मुस्तफ़ा को टिकट दी है और तवक्को की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानब से कि दोबारा से वोटर उन पर एतमाद का इजहार करेंगे वो जीतेंगे। मगर जो मियाँ वाली मखदूम है ना वो फिर से अपनी इस सीट को जो 22 सीट है उसके असूल के लिए कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग जो है उससे पहले जो उन्होंने अब इलेक्शन कंपेन पोलिंग के दिन से पहले इलेक्शन कंपेन भरपूर तरीके से की है जो यहाँ पर सरकर्दा शख्सियात हैं उनके साथ लोगों को फिर से मोटिवेट किया कि ये 22 सीट उनका है उनको ये सीट दिलाने के हवाले से अपने। और आज जो जब ये आज का दिन जो कहते हैं ये नतीजा खेज दिन होता है उम्मीदवारों के लिए और वोटर्स के लिए क्योंकि वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे तो उनका उम्मीदवार जीतेगा। तो आज का दिन इसलिए भी बहुत अहम है कि उम्मीदवार की जीत के लिए वोटर्स को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपना हक राय दही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस हल्के में 5,26,973 रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है और रजिस्टर्ड वोटर्स में मर्द और खवातीन शामिल हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहां पर आ रही हैं। पिछली मरतबा तकरीबन 48 इलेक्शन में टर्न आउट रहा